अनलॉक के बाद से इंदौर में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण शहर के बड़े अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने अस्पतालों में बेड की कमी को सिरे से नकारा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से शहर के अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। जब बेड की कमी को लेकर जिला कलेक्टर मनीष सिंह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अस्पतालों का बिल चुकाने में सक्षम है, हर उस मरीज को सिर्फ मेदांता, बॉम्बे अस्पताल, चौथराम और CHL जैसे अस्पतालों में भी भर्ती होना है। कलेक्टर के अनुसार इन अस्पतालों की एक क्षमता है, उससे अधिक मरीज भर्ती नहीं किए जा सकते हैं, जिसके कारण ये बात सामने आ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोग आज से हम लोगों ने गूगल पोर्टल भी एक वर्किंग शुरू हो गई है, एक दो दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। 1075 नंबर है जो स्टेट का कॉल सेंटर नंबर है, और इसमें जितने भी यहाँ पर निजी अस्पताल 32 हैं वो लगे हुए हैं, उनमें कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, हर 3 घंटे में वो लोग अपडेट करेंगे। दिन में 3 बार अपडेशन का उनको निर्देश है अस्पतालों को। उसमें स्टेटस आ जाएगा कहाँ पर कितने ICU बेड्स या HDU बेड्स या ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं। अभी जो बात आ रही है सामने, उसमें केवल कुछ प्रमुख अस्पताल हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल, चौथराम, मेदांता, CHL, अपोलो। डिमांड लोगों की, जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है उसमें लोगों को लगता है कि अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। अब इन्हीं अस्पतालों में बाहर के भी सीरियस पेशेंट्स आए हुए हैं, इंदौर ज़िले के बाहर के भी 60% पेशेंट्स बाहर के हैं, और उसमें फिर इस तरह की परिस्थिति लोगों के द्वारा कही जाती है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, पर ये गलत है कहना, ये बेड्स उपलब्ध हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। नहीं, ठीक है, जो जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है, उस पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अस्पताल में वो कम्फर्ट लेवल मिले और उस कम्फर्ट लेवल में उसका इलाज हो। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं, अगर वो डीलक्स मांगते हैं तो कोई उसमें 1075 कंट्रोल रूम जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर बना है हम लोगों का, उसमें मेरे ख्याल से आज से शुरू हो गया, मैं स्टेटस ले लेता हूँ, आज से शुरू होने वाला था वो। उसमें ये गाइडेंस रहेगा कि किस अस्पताल में कभी फ़ोन करेंगे लोग कि किस अस्पताल में बेड्स किस कैटेगरी के खाली हैं। कुल मिलाकर अगर वर्तमान में शहर के अस्पतालों की स्थिति जाने तो कलेक्टर मनीष सिंह की बात सही जान पड़ती है। मंगलवार सुबह की स्थिति में ICU के 93, HDU के 313, O2 के 668 और आइसोलेशन के 63 बेड्स उपलब्ध हैं। इंदौर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।